नमस्कार, आप देख रहे हो भव्याश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। इस वीडियो में जानने वाले हैं कि अगर आप कौन बनेगा करोड़पति 2022 के प्रतिभागी हैं और केबीसी सीजन 14 में अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन सबमिट किए हुए हैं तो क्या आईवीआर कॉल आना बिल्कुल जो है स्टॉप हो चुका है, या फिर अभी भी केबीसी के प्रतिभागी जो हैं आईवीआर कॉल का इंतजार कर सकते हैं, वो आज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। हालांकि केबीसी के रूल और रेगुलेशन के विषय में आप जानते होंगे, क्योंकि अगर आप रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं तो वहां पे नियम पे जाके आप पढ़े होंगे, जहां पे स्पष्ट केबीसी के पीडीएफ फॉर्मेट में लिखा हुआ है कि जो लेवल 1 के लिए आईवीआर कॉल का सिलेक्शन है, यानी कि जिसमें 1,12,515 प्रतिभागी को चयनित किया जाना था, उसके लिए आईवीआर कॉल जो है 27 अप्रैल तक आने वाला था। और जाहिर सी बात है, आज जो है 29 अप्रैल हो चुका है। इसका मतलब साफ हो गया है कि केबीसी के रूल और रेगुलेशन के आधार पे आईवीआर कॉल आना जो है स्टॉप हो चुका है। लेकिन हम आपको इसके विषय में बता दें कि अभी आईवीआर कॉल आना बंद नहीं हुआ है। अगर आप कौन बनेगा करोड़पति में अपना रजिस्ट्रेशन सबमिट किए हुए हैं तो अभी भी आप आईवीआर कॉल का इंतजार कर सकते हैं और हो सकता है अभी भी आपके पास आईवीआर कॉल चला जाए। आखिर ऐसा हम आपको क्यों बता रहे हैं? हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि केबीसी के हर साल में यही देखा जाता है। प्रति वर्ष जब केबीसी का रजिस्ट्रेशन होता है और उसमें केबीसी के तरफ से जो डाटा निर्धारित किया जाता है फर्स्ट लेवल 1 आईवीआर कॉल के लिए, तो उसके 3 से 4 दिन बाद भी जो है कुछ प्रतिभागी के पास आईवीआर कॉल आता है। वैसे प्रतिभागी जो कॉल रिसीव नहीं कर पाए होते हैं या फिर जो प्रतिभागी का संख्या वहाँ पर घट जाता है, उतने प्रतिभागी को फिर से जो है रेंडमाइज सेलेक्ट किया जाता है और दोबारा जो है उनके पास कॉल किया जाता है। तो आज 29 अप्रैल है, आप लोग कम से कम कल तक यानी कि 30 अप्रैल तक आप आईवीआर कॉल का इंतजार जरूर कर सकते हैं। हालांकि आप इस बात को भी जानते होंगे कि अब तो ग्राउंड ऑडिशन का कॉल भी आना आरंभ हो चुका है, जिसमें प्रतिभागी को जो है रेंडमाइज बताया जा रहा है। वहाँ पर टेक्निकली सॉफ्टवेयर के द्वारा कॉल करके जो है उनको बताया जा रहा है कि आपका जो यह ग्राउंड ऑडिशन है जो कि 10 मई से लेकर 25 मई तक चलने वाला है, वो उनको कहाँ पे जाके अपना सबमिट करना है। तो अब 27 अप्रैल से ये ग्राउंड ऑडिशन का जो कॉल है वो 27 अप्रैल को ही आरंभ हो चुका था और 27 अप्रैल को केबीसी लेवल 1 के लिए आईवीआर कॉल की समाप्ति डेट भी थी। तो बस काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी हैं जिनके तरफ से ये मैसेज आ रहा है, वो कमेंट करके पूछ रहे हैं कि क्या अब हमें आईवीआर कॉल का इंतजार करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल आप उम्मीद यहाँ पे नहीं छोड़िए, और जैसा कि आप जानते भी हैं कि ये तो केबीसी एक लॉटरी की तरह है, अगर नसीब आपका साथ देता है, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन बाद में मायने रखता है, पहले आपका लक कितना साथ देता है ये यहाँ पे ज़्यादा बेस करता है, ज़्यादा निर्धारित करता है। तो अगर आपका लक साथ देता है, और देखिए कल तक 1-2 दिन में अगर आपके पास आईवीआर कॉल चला जाता है, क्योंकि ये 110% श्योर है कुछ प्रतिभागी के पास अभी 1-2 दिन में जो है आईवीआर कॉल जाएगा, तो आप इंतज़ार ज़रूर कर सकते हैं। अगर आईवीआर कॉल जाता है तो आगे के लेवल के लिए आप वहां पे चुने जाएंगे। बाकी अगर 1-2 दिनों के अंदर इस अप्रैल में जो है अगर आपके पास आईवीआर कॉल नहीं जाता है, तो फिर मई से आपको जो है वहां पे इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, और यहां पे उम्मीद जो है मई के फर्स्ट डेट को आप यहाँ पर उम्मीद बिल्कुल आप छोड़ दीजिए, लेकिन अप्रैल के लास्ट लास्ट तक आईवीआर कॉल का ज़रूर आप इंतज़ार कर सकते हैं।